कि जहां पर देहरादून की बागेश्वर विधानसभा सीट में उपचुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारियां दी है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर विधानसभा सीट में उपचुनाव में 118,264 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और उसके लिए 60,076 पुरुष मतदाता है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या तकरीबन 58,188 है। सर्विस मतदाताओं की संख्या 2,207 है, इनमें महिला मतदाता तकरीबन 57 है, जबकि पुरुष मतदाता 2,150 है। उपचुनाव के लिए कुल मतदेय स्थल 188 बनाए गए हैं और कुल मतदान केंद्र 172 है। 5 माइक्रो ऑब्जर्वर भी है। वहीं सुरक्षा कर्मियों की संख्या 1,444 है। बागेश्वर उपचुनाव में आचार संहिता उल्लंघन पर कुल 2 प्रकरण आए हैं और दोनों के में FIR दर्ज कर ली गई है। उन्होंने आगे कहा कि उपचुनाव में जब्त की गई धनराशि 1,83,850 रुपये है। वहीं जब्त की गई अवैध शराब 3,350 लीटर है, जिसकी कीमत तकरीबन 18,96,000 रुपये बताई जा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बूथ में सभी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं। वाटर, बिजली, बैठने का जगह, शेड का व्यवस्था है, रैंप वगैरह है, वो कर रखे हैं। और इसके अलावा वेबकास्टिंग हमने 94 पोलिंग बूथ में करेंगे। इसका स्टेट कंट्रोल रूम में भी इसका मॉनिटर किया जाएगा और इसमें डिस्ट्रिक्ट में भी मॉनिटर किया जाएगा। कमीशन के वेबसाइट में भी इसमें कमीशन के द्वारा भी मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा हमारा वोटर्स का फैसिलिटेशन के लिए हम लोग पोलिंग बूथ में फैसिलिटेशन पोस्टर दिया गया है और डमी हमारा बैलेट यूनिट का नमूना भी दिया गया है।